विकास ठाकुर गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में चल रहे 21वें कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के लिए वेटलिफ्टिंग में लगातार पदकों का आना जारी है। सुबह पूनम यादव के स्वर्ण जीतने के बाद अब विकास ठाकुर ने भारत को पुरुषों के 94 किग्रा भार वर्ग में एक और कांस्य पदक दिला दिया है। यह प्रदर्शन बताने के लिए काफी है कि अब भारतीय वेटलिफ्टर दुनिया भर में छाने के लिए तैयार हैं। न्यूज फ्लैश मेडल अलर्ट वेटलिफ्टिंग विकास थैकर विंस ब्रॉन्ज मेडल इन 94 किलोग्राम्स कैटेगरी लिफ्टिंग 351 किलोग्राम्स 159,192 ऑल स्पोर्ट्स अप्रैल 2018 विकास ठाकुर के स्नच कैटेगरी में तीनों प्रयास कामयाब रहे। उन्होंने इस वर्ग में 152, 156 और 159 किग्रा भार वजन उठाया, लेकिन क्लीन एंड जर्क वर्ग में शुरुआती सफल प्रयास के बाद उनकी दूसरी कोशिश नाकाम रही। यह भी पढ़ें, CWG 2018 एयर पिस्टल में निशाना साध मनु ने दिलाया भारत को छठा गोल्ड, हिना सिद्धू को सिल्वर। विकास ने क्लीन एंड जर्क वर्ग में पहली बार में 190 किग्रा के भार को सफलतापूर्वक उठाया, लेकिन उनकी अगली 195 किग्रा की कोशिश विफल साबित हुई, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने वजन को फिर से 190 किया। CWG 2018, Vikas Thacker wins bronze medal in 94 kilograms weightlifting. तीसरी कोशिश में 190 किग्रा वजन को उठाने के साथ ही विकास का कुल योग 340 हो गया और इसके साथ वह कांस्य पदक झटकने में कायम्बा रहा। इस वर्ग का स्वर्ण पापुआ न्यूगिनी के स्टीवन केरी और रजत पदक कनाडा के बुआरी सेंटावी ने जीता। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।